वेलकम टू भाई की पढ़ाई सब्सक्राइबर, और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। कर दिया, चल पढ़ाओ। और दोस्तों सब बढ़िया? अगर बढ़िया नहीं है तो अब हो जाएगा, क्योंकि आज का चैप्टर इतना इजी है, इतना इजी है कि तुम्हें अपनी छठी कक्षा याद आ जाएगी। नहीं यार, छठी तो कुछ ज्यादा ही हो गया। इतना इजी है कि तुम्हें अपनी पहली कक्षा याद आ जाएगी। वो दिन भी क्या दिन थे। मुझे तो लगता है एनसीईआरटी ने इस चैप्टर पर अपने 5 पेजेस वेस्ट कर दिए। तो आज का चैप्टर नामा है आदमी नामा, और कवि का नाम है नजीर अकबर बर्बादी। नहीं, नजीर अकबर आबादी। तो ये महाशय अपनी इस कविता से आदमी के अलग अलग रूप दिखाता है। आदमी की अच्छाई बुराई दोनों बताई गई हैं। एक मिनट, क्या बोल रहा है ये? आदमियों में अच्छाइयां भी होती हैं? लगता है इसे अपनी क्लास टीचर से मिलाना पड़ेगा। चलो पढ़ते हैं। कवि कहता है, जो अमीर है, जिसके पास दौलत है, वो भी आदमी है, और जो गरीब भिखारी है, वो भी आदमी है। वाह 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 वाह। अबे ओ, क्या वाह 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 भाई, सीरियसली पढ़ा रहा हूं। पढ़ ले, कोई शेर नहीं मार रहा। सीरियस हो गया, चल पढ़ अब। तो भाई, जिसके पास बेशुमार दौलत है वो भी आदमी है, और जिसके पास फूटी कौड़ी तक नहीं वो भी आदमी है। तो आदमी से ये मत सोच लेना कि जिनका सेक्स मेल होता है हम उन लोगों की बात कर रहे हैं। ना 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 ना, हम इंसानों की बात कर रहे हैं। जो बादशाह है वो भी आदमी है, और जो प्रजा है वो भी आदमी है। जो ताकतवर है वो भी आदमी है, और जो आदमी कमजोर है यानी जिसे शीला जीत की जरूरत है वो भी आदमी है, और जो स्वादिष्ट खाना खा रहा है वो भी आदमी है, और जो सूखी रोटी खा रहा है वो भी आदमी है। रुको, मुझे कुछ याद आ रहा है। हाँ, बात है 9th क्लास की। अगले दिन होली थी और हमें स्कूल में कलर्स लाना अलाउड नहीं था, तो हमारी पूरी क्लास ने मिलकर डिसाइड किया कि हम फूड फाइट करेंगे। तो जैसे ही ब्रेक हुआ, सब एक दूसरे पर खाना फेंक रहे थे। कभी पराठा हवा में था तो कभी ब्रेड। 3-4 टीम बन गई थी, और सबसे बुरा हाल हमारे ग्रुप का था। और तब मेरी निगाहें एक बच्चे की दाल मखनी पर पड़ी। मैंने उससे वो छीन ली और दूसरे ग्रुप पे फेंक दी। बस तभी फूड फाइट बंद हो गई और पकड़म पकड़ाई शुरू हो गई। सब मुझे मारने के लिए दौड़ रहे थे। तो अब हम आदमी की चर्चा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। इस दुनिया में मस्जिद बनाने वाला भी आदमी है। वो भी आदमी है जो मस्जिद में बैठकर नमाज पढ़ता है, और जो कुरान शरीफ का अर्थ समझाता है। जो सामान्य मुसलमान कुरान का अर्थ समझता है वो भी आदमी है। और जो हरामजादे मंदिर मस्जिद से जूते चुराते हैं वो भी आदमी है। जो लोग ऐसे चोरों पर नजर रखते हैं वो भी आदमी है। तो अब आ जाते हैं वॉरफेयर पर। जो किसी के लिए जान दे दे वो भी आदमी है, और जो किसी के लिए जान ले ले वो भी आदमी है। जरूरत पड़ने पर दूसरों को चिल्ला चिल्ला कर पुकारने वाला भी आदमी है, और जो चीख सुनकर उसे बचाने दौड़े वो भी आदमी है। इतने आदमी मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखे जितने इस नजीर ने मुझे दिखा दिए हैं। आदमी के अलग अलग रूप हैं। सिचुएशन पे डिपेंड करता है कौन सा रूप चूज करना है। जैसे कई आदमी शरीफ होते हैं तो बहुत से कमीने किस्म के भी होते हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूं बच्चे किस किस्म के होते हैं। शुरू करते हैं, वाह वाह बोलते रहना। हर तरफ पढ़ाई का साया है, किताबों में किसने सुख पाया है,
हम तो जाते थे ट्यूशन लड़कियां देखने, और सर कहते थे देखो इतनी बरसात में भी लड़का पढ़ने आया है। जो बादशाह और मंत्री की तरह मनमाने काम करते हैं वो भी आदमी ही तो है। शिष्य भी आदमी है और गुरु भी, पीर फकीर भी और संत भी आदमी है। फाइनली हम लास्ट वाले पे आ ही गए, और ये मेरा फेवरेट है। अच्छे काम करके ताली सुनने वाला भी आदमी है, और बुरे काम करके गाली सुनने वाला भी आदमी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड नामे में, जिसमें मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा औरत नामा। मजाक कर रहा हूं यार, यहीं पे खत्म होता है तुम्हारा चैप्टर, बहुत आदमी आदमी हो गया। तो अब बारी आती है मॉरल की। सही में यार, फूड फाइट में बहुत मजा आता है। और अगर तुम भी हमारी तरह ये सब करने की सोच रहे हो तो ऑल द बेस्ट। बस एक चीज याद रखना, अगर तुम मेरी तरह दाल या और कोई लिक्विड यूज करने जा रहे हो तो भाई तू ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाएगा। उस दिन ब्रेक के बाद मैं 3 पीरियड तक MI रूम में पढ़ा रहा, बहुत मारा सालों ने, लठमार होली खेलने लग गए मेरे साथ। पर कुछ भी कहो यार, एक चीज सही हो गई, इससे हमने अपने स्कूल में ट्रेंड शुरू कर दिया। अब से होली के टाइम हर क्लास में फूड फाइट होती है।